जौरा नगर पालिका की अनुमति से बनाए जा रहे भवन निर्माण को उपद्रवियों ने तोड़ दिया। भवन बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री को भी आरोपी लूट कर ले गए। यह घटना जौरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली अस्पताल रोड पर हुई। यूनिस खान अपना मकान बनवा रहे थे, उसी समय पास में रहने वाले एक दर्जन से अधिक लोगों ने निर्माण कार्य बंद करा दिया। कारीगरों की मारपीट कर दहशत फैला दी और निर्माणाधीन मकान की दीवार तोड़ दी। भवन निर्माण के लिए बाहर रखा सामान भी आरोपी अपने साथ ले गए। आरोपी जाते जाते फरियादी को जान से मारने की धमकी भी दी है। यूनिस खान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मेरे पुश्तैनी मकान को मैं बना रहा हूँ। मेरे पास मकान की डिग्री है न्यायालय की, और कुछ उपद्रवी और नगर पालिका से मेरे पास परमिशन भी है। मैं गरीब होने के कारण और मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, और जो उपद्रवी लोग हैं मस्जिद के, तो ये मुझे परेशान कर रहे हैं बनाने से। मेरा मकान का दरवाज़ा ही सरकारी खरंजा पे है उत्तर दिशा में, और पूर्व में उत्तर दिशा में था मेरा मकान, और मेरे मकान का दरवाज़ा उत्तर दिशा में है, और मैं मकान को बना रहा था। पूरे सामान को उठाकर ले गए उपद्रवी। कौन लोग उठा ले गए सामान को? मस्जिद के उपद्रवी लोग ले गए। आपने थाने में आवेदन कार्रवाई की, आवेदन दिया क्या? हाँ, मारने की धमकी दे रहे हैं वे, और मैंने कार्रवाई की तो मेरे पास कुछ कार्रवाई नहीं की है। मेरे पास पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की है, हाँ कोई सुनवाई नहीं की है। सामान पूरा ले गए, अभी तक वापिस नहीं है सामान, ना कोई बरामदी है, और धमकी दे रहे हैं रात ना मारने की मस्जिद वाले। एहसान है, आबिद है, और कुछ और मोहल्ले वाले ऐसे हैं उपद्रवी, और नाम भी हैं जो ले गए मेरे पास। नाम है एहसान है, आबिद है, और माजिद है, और फारूक है। ये 10-12 लोग हैं मेरे पास में। अब मैं हाँ, अन्य और नाम है मेरे पास में, तो मैं नाम देने को तैयार हूँ। मेरा लड़का था यहीं पर, तो उसने नाम लिख लिए उसके उनके ले जाने वालों के, और घर में पत्थर फेंके हैं पूरे में, और मेरा कोई है नहीं, और इसलिए मैं मदद चाहता हूँ सरकार से भी मदद की जाए, और मेरा कोई भी नहीं है साथ में। आप मकान बना रहे थे, नगर पालिका से मंजूरी लेके बना रहे थे? हाँ, नगर पालिका से विधिवत मेरे पास मंजूरी भी है, और मंजूरी को निरस्त करने की धमकी भी दिलवा रहे हैं, और नोटिस आया तो मैंने जब मेरे पास मंजूरी, फिर नोटिस किस बात का दिया है मेरे पास, और इनके दबाव में आकर के, गुंडों के दबाव में आकर के मेरा मुझको नोटिस दिलवाया है। इनकी कोई जमीन भी नहीं है, और झूठा जो लगा रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, और कह रहा है जो बप की ज़मीन बता दें 547 को, जबकि सरकारी इंदिराज में सिर्फ रेवेन्यू आबादी है, और इसकी जांच की जाए जब भोपाल तक, और इसकी इनके पास कोई बप का कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं है 547 का। बार बार में सबसे कह रहे हैं झूठा, अपने पेपर छपा रहे हैं कि हमारी जो दो बेस्पा उसकी है, बप संपत्ति है। बिल्कुल बप संपत्ति नहीं है, आम रास्ता है, सरकार का प्रमाणीकरण है मेरे पास में, प्रमाणीकरण है, और इसके बाद में उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सर, एक अवैध मकान जो मकान है उसका निर्माण रुकवाया गया कुछ लोगों ने, क्या पूरा घटना? इसमें अभी मेरी थाना प्रभारी से बात हुई है, तो उनका मस्जिद कमेटी के लोग जो बगल में ही जिनकी ज़मीन है वो जो है निर्माण कार्य कर रहे थे, और उनका कुछ सरिया वरिया, इनका आरोप है कि सर हमारा सरिया वरिया जो फ्रेम बना हुआ था, पिलर वगैरह लगा रहे थे, उसको वहाँ से किसी ने जो है डिस्प्लेस कर दिया है, तो उसकी शिकायत की है थाने में। इस संबंध में जो है मस्जिद कमेटी के लोगों से, और जो जिनकी जो बगल में दुकान बन रही है, पैतृक संपत्ति उनकी जो खुद की स्वामित्व की जो संपत्ति है, और उनके द्वारा जो निर्माण कार्य कराया जा रहा है, तो कमेटी वालों का ये कहना है कि सर हमारी जो है तरफ आप मेन रोड में जो है मतलब दरवाज़ा मत खुलिए, बगल वाली साइड वाली एल साइड टाइप का उनका जो है वो है मकान, उसकी तरफ खुलिए। इसको लेकर के इनमें आपस में जो है डिस्प्यूट है, उसके लिए तहसीलदार साहब SDP साहब दोनों पक्षों को बैठ के उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। आज बैठक रखी है उन्होंने, उसके बाद ही कोई कार्रवाई संबंध में आएगी। मस्जिद कमेटी चाहती है कि उनका गेट बाहर ना निकले, ऐसा थाना प्रभारी द्वारा बताया गया है, जो उनकी मेन साइट है उसमें, तो वो जो है उसका वो कैसे करेगा, उसके निजी स्वामित्व की ज़मीन है, तो दोनों ही लोगों को आपस ही समझाए, इसके बाद कोई रास्ता अपने जो अधिकारी हैं वो निकाल रहे हैं, ताकि इनमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। ये उनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमने सरिये का जाल बनाया था और मकान बना रहे थे, तो ये सब चीज़ें बाद में आएंगी, कौन लेके गया है, किसने रिमूव किया है, इस संबंध में जो है सभी पहलुओं में बात करके आगे कार्रवाई की।